क्या आपको पता है जो भी मॉइस्चराइजर हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है या फिर से आपको अपनी स्किन ड्राई फील होने लगती है। जब भी आपने अपनी स्किन के ऊपर लोशन लगाया है और कुछ देर बाद आपको लगेगा कि वो ड्राई फील हो रहा है, तो कहाँ चला जाता है वो? हम एक्चुअली हमारी स्किन खा लेती है, क्योंकि हमारी स्किन को दूसरा मुंह कहा गया है। जो भी चीज़ हम अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे वो हमारी स्किन खा लेती है, हमारी स्किन के अंदर चला जाता है। इसलिए हमेशा कहती हूँ, जो भी चीज़ अपनी स्किन के लिए, अपने फेस के लिए, अपने हेयर के लिए सिलेक्ट करते हैं ना, उसको थोड़ा सा सोच समझ के सिलेक्ट करना चाहिए, जिसका कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लगाइए मत लगाइए, बट थोड़ा सा चीज़ों का बैलेंस करके और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ के समझ के फिर चीज़ें लगानी चाहिए। तो देख लेते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर मैं बात करूँ उसकी कॉस्ट की, तो कुछ भी नहीं है उसकी कॉस्ट। ठीक है, यानी कि 20 रुपीज़ 1000 रुपीज़ के सामने तो कुछ भी नहीं है ना, तो वही बात आज होने वाली है। तो इतना बट उसका इफ़ेक्ट इतना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में, और कुछ हमारे पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ें बोल के कुछ भी, और शॉर्टकट के चक्कर में कि जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए, इन चक्करों में आके हम अपनी स्किन को ख़राब कर लेते हैं। और इतने सारे जो ब्रांड्स हैं, इतनी सारी जो क्रीम्स हैं या फिर मॉइस्चराइज़र हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता ना, फिर हम देखते हैं, सर्च करते हैं DIYs यानी कि होममेड रेमेडीज़। और मैं चाहती हूँ ये टाइम ये चीज़ आपके साथ ना हो, आप डायरेक्ट ही इन चीज़ों को जो भी DIYs हैं या होममेड चीज़ें हैं उनसे स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप टीनेजर हैं तो मैं कह रही हूँ सबसे बेस्ट टाइम है जब आप किसी भी केमिकल को यूज़ ना करके सिर्फ और सिर्फ होममेड रेमेडीज़ अपनी स्किन के लिए यूज़ करेंगे ना, तो आपको अलग ही लेवल के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में बात करें, तो हम बात कर रहे थे मुल्तानी मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो अभी भागना नहीं है, कुछ करना नहीं है, पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद आप ये रेमेडी करने जाना। क्या अगर आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि पहले के टाइम में मुल्तानी मिट्टी को किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता था, क्या क्या उसके फ़ायदे थे और क्या क्या हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, ये करिएगा, उसके बाद इस वीडियो को सुनो, समझो, फिर देखना। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि मुल्तानी मिट्टी क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने नहीं करना, मैं बताने वाली थी कुछ आपको, तो मैं बता रही थी मुल्तानी मिट्टी के बारे में। पहले के टाइम में जो भेड़ होती हैं, भेड़ होती थी यानी कि अब भी होती हैं, पहले भी होती थी, तो उनकी जो स्किन से जो बाल निकाले जाते थे उससे ऊन बनाया जाता है, उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि भेड़ें कहीं भी धूल में, मिट्टी में और कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं, और उनकी स्किन पे इतनी गंदगी जमा हो जाती है, और जब उसको निकाला जाता है ना, तो वो बिल्कुल वैक्स के जैसे वो बाल चिपके रहते थे, तो उसको बिल्कुल एकदम कॉटन के जैसा बनाने के लिए और बिल्कुल क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता था मुल्तानी मिट्टी का। ठीक है, और जब इसको मुल्तानी मिट्टी से क्लीन किया जाता था, तो बिल्कुल वाइट कलर की और बिल्कुल एक खिल उठती थी, मतलब बिल्कुल कॉटन के जैसे क्लीन हो जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि मुल्तानी जो मिट्टी है उसमें इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं क्लीनिंग की, कि आप सोच के हैरान हो जाओगे। ठीक है, तो मुल्तानी मिट्टी में इतनी पावर है किसी भी डर्ट को निकालने की, कहने का मतलब यही था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्योंकि हम खुद भी मुल्तानी मिट्टी को क्लीनिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो स्किन की क्लीनिंग हो या वो हेयर की क्लीनिंग हो। एज़ यू नो कि अभी चिकन पॉक्स की वजह से मैं ये रेमेडी आपको करके नहीं दिखा सकती हूँ, बट बहुत जल्दी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड होंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाए, और जब भी मैं वो रेमेडीज़ शेयर करूँ तो आप मेरे साथ देखते देखते उस चीज़ को बनाएं और अप्लाई करें, और आपको फिर विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं भी ये करने वाली हूँ। तो बट आज मैं आपको बता देती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी अगर आप एज अ फेस वॉश उसको यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ले लो, उसमें हल्दी जो है ना, वो मैं हर चीज़ में आपको ऐड करने के लिए बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि एंटीसेप्टिक होती है, जो भी आपकी स्किन पे इरिटेशन, इचीनेस हो रही होती है ना, उसको ये काम डाउन कर देती है, और कोई भी इन्फेक्शन आपकी स्किन पे नहीं होने देती है। तो मुल्तानी मिट्टी विथ हल्दी, जो भी हल्दी आप यूज़ करते हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि कस्तूरी हल्दी बेस्ट होती है स्किन के लिए। बाकी आपके पास, आपके नियर अबाउट अगर घर की हल्दी होती है, तो उसको घिस के भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर हल्दी को मिक्स करो और अपने बाथरूम में रख दो। ये हो गया आपका फेस वॉश। आपको किसी फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे दिन ब दिन नए नए ब्रांड, नई नई कंपनियां आती हैं। ये फेस वॉश इस चीज़ के लिए है, चारकोल बेस वॉश, फेस वॉश, मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश। जब जो चीज़ हमारे पास नेचुरल है, हम उसको उसी वे में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी लिक्विड चीज़ बिना किसी प्रिजर्वेटिव के इतने लंबे टाइम तक, दो दो तीन तीन साल तक नहीं टिक सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमें रो मिलती है, तो रो यूज़ कीजिए। मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, पानी से इसको गीला करना है, अपने फेस को गीला करना है और बस रब कर लो एज अ फेस वॉश। जैसे आप यूज़ करते हैं, जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उसको एक वीक के लिए स्किप करके देखो और इसको यूज़ करो। अगर आप मार्केट बेस्ड फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आपको विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये वरदान हो सकता है आपके लिए। और ये ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन वालों को ड्राई कर देगी, जी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने फेस को वॉश कर रहे हैं, फेस पैक नहीं लगा रहे हैं। फेस पैक भी लगा सकते हैं, जो कि अभी बताऊँगी आपको। अगर आप एज अ फेस वॉश इसको यूज़ करेंगे ना, आप देखोगे विजिबल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इतना डीपली क्लीन करती है ना ये आपकी स्किन को, कि वो जब आप करोगे तभी पता लगेगा। मतलब मेरे पास तो वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बट मैंने ये रिजल्ट्स देखे हैं, इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ एक बार इस चीज़ को करके ज़रूर देखना। जब आप करोगे ना, और जब आप खुद एक्सपीरियंस चीज़ें करते हो तो तब अलग ही बात होती है, ठीक है। लेकिन लगातार यूज़ कर रहे हैं ना, तो ज़रूर शेयर करना कि आपको ये जो चीज़ है, मुल्तानी मिट्टी है, कैसी लगी है, और कमेंट भी ज़रूर करना, जिससे बाकी जो लोग हैं चैनल पे उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ सच में ये चीज़ें काम करती हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, अपने जो भी विचार हैं वो ज़रूर शेयर किया करो। एक दूसरे के साथ शेयर करने से चीज़ें या प्रॉब्लम जो होती हैं वो सॉल्व होती हैं और रिजल्ट्स निकलते हैं। तो प्लीज़ इसलिए बोलती हूँ कि कमेंट ज़रूर किया करो। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जितना हो सके पानी पिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।